तो आज बात होगी अबाउट द फाइनल टॉपिक ऑफ लाइफ प्रोसेसेस दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट। वेस्ट मतलब समथिंग विच इज़ आइदर अनवांटेड और समथिंग विच इज़ हार्मफुल। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो कि सेल्स में होती है, उन एक्टिविटीज़ के दौरान बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस बनते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे रेस्पिरेशन, हमने देखा रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। उसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब कि आफ्टर रेस्पिरेशन इज़ बेसिकली ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। तो ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दो सब्सटेंसेस बनते हैं। वाटर तो चलो यूज़ हो जाता है इनसाइड द सेल, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अक्यूमुलेशन इनसाइड द सेल हो नहीं सकता। कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होगी इनसाइड द सेल तो उसको फिर बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसकी हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल हो जाएगी। तो बाय डिफ्यूज़न ये मेम्ब्रेन पार करके बाहर निकल जाता है और इंटरसेलुलर स्पेसेस से ये टिश्यू फ्लूइड में जब होता है तो वहाँ से ये ब्लड कैपिलरीज में एंटर करता है और फिर ब्लड इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के हार्ट में जाता है और हार्ट उसको लंग्स में लेकर के चले जाता है। लंग्स से उसको निकाल दिया जाता है बाहर एक्सेलेशन प्रोसेस से। तो दिस इज़ हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव्ड आउट ऑफ आवर बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको एक्सक्रीट किया जाता है, जिसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। लेकिन प्राइमरीली हम जब एक्सक्रीशन सिस्टम की बात करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, एक्सक्रीशन की बात करते हैं हमारी बॉडी से, तो हम दूसरे कुछ मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं जो कि नाइट्रोजीनस वेस्ट होते हैं, जो कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से हमारी बॉडी में बनते हैं। तो दी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज इनसाइड आवर बॉडी दे आर प्राइमरीली यूरिया एंड यूरिक एसिड। यूरिया और यूरिक एसिड को हम बोलते हैं नाइट्रोजीनस वेस्ट। ऐसा वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन हो। नाइट्रोजन क्यों होगी? क्योंकि ये एक्चुअली प्रोटीन के मेटाबोलाइट्स हैं, यानी प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बने हैं। यूरिया यूरिक एसिड, इन दोनों का एक्यूमुलेशन सेल्स में होगा तो वो अच्छा नहीं है सेल के लिए, तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। हाँ, उनको बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है, यानी सेल से बाहर निकाला, सेल से बाहर निकलने के बाद वो जब ब्लड में गया तो ब्लड उसको लेकर के जाएगा किडनीज में, और किडनीज में इनका फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, और किडनी में जो यूनिट्स हैं एक्सक्रीशन की, जिनको हम नेफ्रोन्स बोलते हैं, वहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होकर के ये ब्लड में से छन करके फिल्टर होकर के बाहर निकल जाते हैं। तो ये प्रोसेस जिससे नाइट्रोजीनस वेस्ट को किडनीज के थ्रू यूरिन में कन्वर्ट करके बाहर निकाला जाता है, दैट इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। तो हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन जो है उसके लिए हमको एक्सक्रीटरी यूनिट्स सबसे पहले देखना चाहिए, यानी सबसे पहले हमको नेफ्रोन्स के बारे में बात करना चाहिए ना। आप देखें कि नेफ्रोन जो है उसका कैसा डायग्राम बनाया था, एनसीईआरटी के डायग्राम्स पे नज़र रखें। एनसीईआरटी के डायग्राम्स एज इट इज़ छाप दिए जाते हैं। ये नेफ्रोन का डायग्राम है। यहाँ पे हमको बोमैंस कैप्सूल दिख रहा है, ये ग्लोमेरुलस दिख रहा है, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी यहाँ से आ रही है, यहाँ वापस जा रही है, दोनों रीनल आर्टरी है। हाँ, तो हम इनको ग्लोमेरुलस को ये नहीं बोलते कि दिस इज़ अ बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये बेसिकली आर्टरी है, तो ये आर्टेरियोल्स होंगे, वो आपस में ही जुड़े हुए हैं। हाँ, ये थिनर और नैरो ल्यूमेन वाली आर्टरीज ही हैं जो ग्लोमेरुलस बनाती हैं। ब्लड जब रीनल आर्टरी से आता है इनसाइड द ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस में ड्यू टू हाई प्रेशर ये फिल्टर हो जाता है। इसमें से यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर और कुछ और यूजफुल सब्सटेंसेस अपार्ट फ्रॉम वाटर बाहर निकल जाता है। तो इस मैकेनिज्म को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखें। हाँ, यहाँ पे हमने थोड़ा सा ये जो दिख रहा है हमको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, है ना, इसमें कन्वल्शंस थोड़े से ज़्यादा हैं, तो हम इसके जो ट्यूबुलर पार्ट है उसके कन्वल्शंस को कम करके एक डायग्राम बनाएं तो हम उसको थोड़ा सा इजी डायग्राम बना सकते हैं। कैसे डायग्राम बनाया था हमने, हम इसको ग्लोमेरुलस को इस तरह से शो कर देते हैं।
इसके नीचे इसका ट्यूबुलर पार्ट है, मतलब ये वोमेंस कैप्सूल है। वोमेंस कैप्सूल के अंदर आप ग्लोमेरुलस दिखा दो ऐसा, इधर से रीनल आर्टरी आई है जिसको हम एफरेंट ब्लड वेसल्स बोलते हैं। एफरेंट ब्लड को लेके आती है, इफरेंट ब्लड को लेके जाती है यहाँ से, लाइक दिस। हाँ, इस ये थोड़ी सी ब्रॉड होती है इसका, ये थोड़ी सी नैरो होती है और ये थोड़ी सी ब्रॉड होती है, तो ब्लड ज़्यादा आता है और कम जा पाता है। हाँ, क्या क्या चीज़ें हैं ये? ये है ग्लोमेरुलस, दिस इज ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ये भी और वो भी। हाँ, एफरेंट ब्लड वेसल, इफरेंट ब्लड वेसल, ये ब्लड लेके आई है, ये ब्लड लेके जाएगी और यहाँ पर होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दिस प्रोसेस वॉज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में ब्लड जो था वो इसके अंदर से साफ होकर के निकल जाता है, और जो चीज़ यहाँ पर आती है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेशन से जो बने वो फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस से आया है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है इसमें यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये चीज़ें तो होना भी चाहिए क्योंकि इन्हीं को बाहर निकालना है। हाँ, लेकिन साथ में चार काम की चीज़ें भी आ जाती हैं। एक तो वाटर, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा मिनरल्स और चौथा अमाइनो एसिड्स। ये चार काम की चीज़ें अगर बॉडी से बाहर निकल गई एक्सेसिवली तो देयर इज़ अ लॉस, इन सब की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जैसे समझो ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो गई तो हमें वीकनेस लगने लग जाएगी। हाँ, या अमाइनो एसिड की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो प्रोटीन्स की शॉर्टेज हो जाएगी, तो ये तो नहीं होना चाहिए। काम की चीज़ें बॉडी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो क्या होगा कि ट्यूबुलर पार्ट में, ये जो ट्यूबुलर पार्ट है इसको, जिसे बहुत हाईली कन्वोल्यूटेड बनाया, हम थोड़ा कम कन्वोल्यूटेड बना करके इसे देख लेते हैं। हाँ, हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने इस तरह का यू शेप्ड एंडलेस लूप बना लिया, यहाँ पे कुछ कन्वल्जन दिखा करके और इसको बाहर निकाल दिया। हाँ, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बातें समझ में आ जाए, जिससे यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट है, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, जो कि अलग अलग नेफ्रॉन्स है, यहाँ बहुत सारे नेफ्रॉन्स आकर के जुड़ रहे हैं, ये तो ये सब नेफ्रॉन्स एक, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट को यूरिन बना करके देते हैं। यूरिन मतलब यूरिया, यूरिक एसिड और थोड़ा वाटर, ये तीन चीज़ें मिलकर यूरिन बनाती है, बाकी चीज़ें यूरिन का कंपोनेंट नहीं है। बाकी जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के, दे शुड नॉट बी देयर इन द यूरिन, दे शुड नॉट बी रिमूव्ड आउट ऑफ द ब्लड, आउट ऑफ द बॉडी, नहीं तो उनका डेफिशिएंसी हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि ये जो कन्वोल्यूटेड पार्ट है इसके दो हिस्से कर लो, मतलब दो हिस्से होते हैं। क्या होते हैं? एक तो ये वाला पोर्शन है, ये जो यू शेप्ड है इसको हम बोलते हैं हेनलेज लूप, हेनलेज लूप। जो शुरू वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT, प्रॉक्सिमल क्योंकि ये
बोमैंस कैप्सूल के साथ में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये, और इसको बोलते हैं डिस्टल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, डीसीटी, इसको पीसीटी बोला था, इसका नाम है डीसीटी। ठीक है, तो इसके साथ साथ इसके पैरेलल जो यहाँ से आर्टरी गई थी, देखो हम अपना डायग्राम देखते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा कि ये जो आर्टरी यहाँ से बाहर निकल गई थी वही उसकी ही ब्रांचेस इस कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के आसपास घूमती हुई दिख रही हैं। वॉच इट क्लोजली, यहाँ से ब्लड आया वोमेंस कैप्सूल में, यहाँ से ब्लड बाहर निकला है, इसकी ब्रांच और सब ब्रांचेस पूरी तरह से कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के चारों तरफ लिपटी हुई हैं। क्या कर रही है कि जो फिल्ट्रेट यहाँ से निकला है उसमें से काम की चीज़ों को वापस खींच रही हैं। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, काम की चीज़ों को वापस लेने के सिस्टम को, सेलेक्टिव रीअपटेक या सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, एक ही बात है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किस किस का होगा, ग्लूकोज का होगा, अमाइनो एसिड्स का होगा, मिनरल्स का होगा और बहुत सारे वाटर का होगा। यूरिन में केवल कुछ वाटर जाएगा और ये पूरे रास्ते होता रहेगा। पूरे रास्ते मतलब कि ये जैसे यहाँ से आया, फिर ये कन्वल्शंस दिखाए हैं, हाईली कन्वोल्यूटेड, ये हेनलेस लूप है ना, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है लेकिन कोई बात नहीं, अपने को तो सीखना है। तो ये यहाँ से घूम 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 के जब यहाँ तक आएगा तो खास चीज़ें जैसे ग्लूकोज है, जैसे अमाइनो एसिड है, जैसे मिनरल्स हैं, वाटर भी, ऑफ कोर्स वाटर ज़्यादा होता है इसलिए वाटर का अब्जॉर्प्शन जो है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन वो पूरे रास्ते चलता ही रहता है, लेकिन जो अदरवाइज़ जो वाटर है, जो बाकी चीज तीनों चीज़ें वो इतनी ज़्यादा नहीं जाती हैं इसमें फिल्ट्रेट में, इसलिए उनका ऐसा रहता है कि वो ज़्यादातर हेनलेस लूप का ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है यहीं तक उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिर बाकी बचता है वाटर, उसका एंड तक रीअब्जॉर्प्शन होता रहता है, और जब एंड में यहाँ पे ये फिल्ट्रेट पहुँचता है तो उसमें यूरिया, यूरिक एसिड और वाटर, बस ये तीन ही चीज़ें बचती हैं। तो इस मिक्सचर को, इस कॉम्बिनेशन को हम यूरिन बोलते हैं। यूरिन जो है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड एंड वाटर। तो ये बात बस आपको समझना है, यहाँ पे सेलेक्टिव रीअपटेक हो रहा था, सॉरी यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा था, अब कन्वोल्यूटेड पार्ट में सेलेक्टिव रीअपटेक होगा। सेलेक्टिव रीअपटेक ऑफ ऑल द, या सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द यूजफुल सब्सटेंसेस विच वर फिल्टर्ड आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इनटू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और अब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो ये यूरिन बन गया, जब यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन हो गई है तो ये यूरिन विल बी कलेक्टेड बाय द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को इकट्ठा कर लेगी, तो किडनी में बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं और एवरी कलेक्टिंग डक्ट इज़ एसोसिएटेड विद मैनी नेफ्रोन्स, वो सब नेफ्रोन्स अलग अलग कलेक्टिंग डक्ट को अपनी मतलब किसी अपने रीजन में जो कलेक्टिंग डक्ट है उस कलेक्टिंग डक्ट को अपना अपना यूरिन दे देंगे, सब थोड़ा थोड़ा बनाएंगे ब्लड में से निकाल के और इसमें दे देंगे, तो कलेक्टिंग डक्ट के पास तो बहुत सारा यूरिन हो जाएगा।
और फिर वो उस यूरिन को लेकर के, अब आप अगर किडनी का डायग्राम देखें, किडनी जैसे हैं तो ये किडनी को दे देंगे अपन। किडनी का एक बड़ा क्रॉस सेक्शन एक्चुअली इसमें है नहीं, तो अपन इसको भी बना लेते हैं समझने के लिए कि समझो एक किडनी मैं बना रहा हूँ, ये इस तरह का एक किडनी। तो आप ये समझो कि इस किडनी में हमको इसके क्रॉस सेक्शन में इस तरह के सेक्शंस दिखाई देते हैं, ऐसे ये सब में आपको ये सब ऐसा ऐसा दिखाई देगा, लंबे लंबे, ये ऐसा लगेगा कि जैसे फाइबर है, इनको मेड्यूलरी रेज भी बोलते हैं। ये एक्चुअली क्या दिख रहा है आपको, ये सब आपको दिख रहे हैं हेनलेज लूप। ये लंबा हमको यहाँ दिखाई देता है, इस जगह पर इन सब के बोमैंस कैप्सूल्स होंगे, इधर 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 ना, और सबकी कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर इसी तरह से अरेंज होंगे। हाँ, कलेक्टिंग डक्ट्स इस तरह से अरेंज होंगी कि सब जगह के नेफ्रॉन्स अपना अपना यूरिन उनमें डालें, एंड देन जो सेंट्रल पार्ट होता है इसको हम पेल्विस बोलते हैं, हाँ, उस पेल्विक रीजन में ये अपना सिक्रीशन डालते हैं। तो सब जगह से यूरिन इकट्ठा होकर के इट विल बी गिवन टू द पेल्विक रीजन, एंड फ्रॉम पेल्विस यहाँ से दिस इज द ओरिजिनेशन ऑफ अ यूरेटर। ये यूरेटर बाहर जा रहा है, कहाँ जाएगा, यूरेटर जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये जो यूरिन यहाँ पे बनेगा दैट विल बी टेकन आउट ऑफ द किडनी विद द हेल्प ऑफ यूरेटर, और फिर ये यूरेटर जो है हम जो यहाँ देख रहे हैं, कहाँ यूरेटर है इसमें, ये जो हर किडनी में से एक ट्यूब निकल रही है वो यूरेटर है। तो ये यूरेटर आया, ये यूरेटर, इसमें से यूरिन होकर के आएगा और इस ब्लैडर में जाके इकट्ठा हो जाएगा। हाँ, दिस इज यूरेथ्रा, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा हो गया और पीरियोडिकली इट इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड इजेशन। जो की डिफरेंस बिटवीन इजेशन, इजेशन आप समझ गए, आप डाइजेशन पढ़ते थे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमंस में मिलता है, उसमें हम कहते थे कि हमारा जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके फाइव डिफरेंट फेजेज हैं, फाइव डिफरेंट पार्ट्स हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन टू द सेल्स, और जो वेस्ट बच गया दैट इज इजेशन। इजेशन इज नॉट एक्सक्रीशन। हाँ, हमने पहले भी की थी ये बात कि इजेशन और एक्सक्रीशन अलग अलग बातें हैं। जो एक्सक्रीशन है वो उन मेटाबोलाइट्स का रिमूवल ऑफ द बॉडी है जो कि सेल के अंदर बने हैं ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। यूरिया, यूरिक एसिड सेल में प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है उसके रिजल्ट में बनते हैं, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी हम एक्सक्रीटरी सब्सटेंस मानते हैं, उसके रिमूवल को भी हम एक्सक्रीशन बोलते हैं, क्योंकि वो भी सेल के अंदर बना था रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान। लेकिन जो इजेशन के दौरान जो चीज़ें बनती हैं वो सेल में से निकल के नहीं आई हैं, हाँ, वो आउटसाइडर्स हैं, वो इंजेशन के टाइम अंदर गए थे, लेकिन क्योंकि वो प्रॉपरली किसी भी रीज़न से डाइजेस्ट नहीं हो पाए, मे बी वो हुई इनडाइजेस्टिबल, वो ऐसी चीज़ें थी जिनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं थी, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, एब्जॉर्ब नहीं हो पाए तो ब्लड में नहीं जा पाए, ब्लड में नहीं जा पाए तो उनका एसिमिलेशन भी नहीं हुआ, तो वो हमारी बॉडी के किसी काम के नहीं थे, तो बॉडी ने उसको रिजेक्ट कर दिया,
अब स्मॉल इंटेस्टाइन में होते होते वो जाएंगे तो फिर उनमें से वाटर भी अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब ये जो वेस्ट बचा है ये रेक्टम में जाके इकट्ठा हो जाएगा, इट विल बी रिमूव्ड आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इजेशन थ्रू एनस। तो इजेशन में जो चीज़ रिमूव कर दी गई वो आउटसाइडर है, वो बाहर से ही आई थी, सेल के अंदर बनी नहीं थी। इनफैक्ट वो सेल के अंदर कभी गई भी नहीं, वो बाहर के बाहर ही रही। सेल के अंदर तो वो जाता है जो कि डाइजेस्ट हो जाता है, जो कि यूज़फुल होता है, जो कि ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल होता है। बाकी चीज़ें जो हैं जो ली नहीं हमारे सिस्टम ने, उसको इजेस्ट आउट कर दिया गया। इट इज़ नॉट एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ द मेटाबोलाइट्स फॉर्म्ड इनसाइड द सेल ड्यूरिंग द वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। कंसेप्ट क्लियर है? तो हमने देखा कि इस तरह से यूरिन फॉर्मेशन होती है इनसाइड द नेफ्रॉन, दिस इज अ सिंगल नेफ्रॉन, और इस तरह के बहुत सारे छोटे 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 नेफ्रॉन्स हैं हमारी किडनी में, और ये सब थोड़ा 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 करके ब्लड में से यूरिन बना रहे हैं, ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है, हाँ, और यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन हो रही है। That urine is taken out of the kidney first to the bladder, urinary bladder, with the help of ureter, and from from the bladder it is taken out with the help of urethra from the body. This is the complete excretion of urea and uric acid, that is nitrogenous waste from the body. तो मेरे ख्याल से it is very clear. Confusion जैसी तो कोई यहाँ पे बात होना नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं कि कुछ खास बातें इससे रिलेटेड। जब कभी किडनी फेल हो जाता है तो आर्टिफिशियल किडनी, इस तरह का एक सिस्टम हमने वीडियो भी देखा था, हमने देखा था किस तरह से एक पेशेंट की बॉडी से ब्लड निकलता है, हीमोडायलाइजर में जाता है, हीमोडायलाइजर में उसका डायलिसिस होता है, डायलिसिस होने के बाद में उसमें से यूरिया यूरिक एसिड निकल जाता है, बाकी ब्लड फिर से बॉडी में एंटर करता है। तो ये प्रोसेस जो है दिस इज हीमोडायलिसिस, दिस अपरेटस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलाइजर। तो इसमें देखो हमको बहुत सारी ट्यूब्स दिख रही हैं, डायलाइजिंग सॉल्यूशन यहाँ से डाला जाता है और दूसरी तरफ से उसको निकाल लिया जाता है। ये यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन है जो यहाँ से बाहर आ रहा है, इसमें यूरिया यूरिक एसिड है यानी वेस्ट है, और ये फ्रेश हीमोडायलाइजिंग सॉल्यूशन है। जब किडनीज एवरीबडी हैज़ टू किडनीज नॉर्मली, लेकिन हमारी बॉडी सिंगल किडनी पे भी चल सकती है। अगर एक किडनी काम करना बंद कर गई या कई बार किडनी डोनेट भी कर देते हैं लोग बाग, तो सिंगल किडनी पे नॉर्मल जिंदा रहा जा सकता है। लेकिन ये जो दोनों ही किडनी किसी किसी की ख़राब हो जाती है जब, तो फिर यूरिया यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हम आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस यूज़ करते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है देखें कि किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल, सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, इंजरी और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनीज रिड्यूस द एक्टिविटीज ऑफ किडनीज। क्यों किडनी ख़राब हो जाती है? कि इन्फेक्शन हो गया कोई, है ना, कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम रही, कई कई लोगों की किडनीज में स्टोन हो जाता है, डायबिटीज़ की वजह से किडनी का को बहुत डैमेज होता है, डायबिटिक रीनोपैथी, एनीथिंग रिलेटेड टू किडनीज विल बी कॉल्ड एज रीनल। तो डायबिटीज़ की वजह से किडनी को होने वाले डैमेज को हम बोलते हैं डायबिटिक रीनोपैथी। अगर डायबिटीज़ की वजह से भी या और कोई इंजरी हो गया या रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी कोई स्टोन की वजह से, इस वजह से किडनी की एक्टिविटीज़ रिड्यूस हो जाती है। दिस लीड्स टू अक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी विच कैन इवन लीड टू डेथ। इन केस ऑफ किडनी फेलियर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड। तो आर्टिफिशियल किडनी की बात करेंगे कि आर्टिफिशियल किडनी इज़ अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी इज कंटेन नंबर ऑफ ट्यूब्स विद अ सेमी परमिएबल लाइनिंग
सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलाइजिंग फ्लूइड, है ना, इस टैंक में डायलाइजिंग फ्लूइड है और जो मल्टीपल ट्यूब्स हमको दिख रही हैं दे ऑल आर एक्चुअली सराउंडेड बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल लाइनिंग. तो दिस फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड. इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड हैं वो इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में भी हैं. इस वजह से कंसंट्रेशन ऑफ ऑल दीज सब्सटेंसेस इन द डायलाइजिंग सॉल्यूशन एंड इन द ब्लड वो सेम है. तो जो चीज़ें इनमें से बाहर नहीं निकल सकती सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, जिनका साइज बड़ा है उनका तो कोई टेंशन नहीं है, बाकी चीज़ें भी बाहर नहीं निकल पाए और ब्लड का कंपोजिशन थ्रू आउट जब तक वो इसमें जर्नी करता है वो बिगड़े नहीं, सिवाय इसके कि ब्लड में से यूरिया और यूरिक एसिड जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो बाहर निकल जाए, बाकी चीज़ें वैसी की वैसी रहें जिससे कि हम इसे वापस पेशेंट की बॉडी में पहुंचा सकें. तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड होता है इस फ्लूइड में, एक्सेप्ट दैट इट इज़ डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट. नाइट्रोजिनस वेस्ट ऑब्वियसली इसमें नहीं होगा क्योंकि बाहर निकालना है. तो द पेशेंट्स ब्लड इज़ पास थ्रू दीज ट्यूब्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस पासेज द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलाइजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन. हाँ, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, अगर आपने बाहर डाला ही नहीं है नाइट्रोजन, क्यों डालोगे आप, है ना, आपको तो नाइट्रोजिनस वेस्ट ही तो बाहर निकालना है. तो जब आपने नहीं डाला है तो लो प्रेशर है, हाई प्रेशर इनसाइड द ट्यूब्स, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से यूरिया और यूरिक एसिड निकल के बाहर आ जाता है. द प्योरीफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट. दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी बट इट इज़ डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीअब्सॉर्प्शन इन्वॉल्व. वहाँ पे किडनी में तो क्या हो रहा था, पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा था तो काम की चीज़ें भी आ जा रही थी, काम की चीज़ों को वापस से ब्लड में डालना पड़ता है, उसको हम सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन बोलते हैं. तो ये सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पे नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ बाहर निकल ही नहीं पाता, हमने सेम ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फ्लूइड ले लिया है. नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनीज इज अबाउट 180 लीटर डेली. हाँ, यानी आप सोचो कितना सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है, जो फिल्ट्रेट होता है यानी ब्लड तो खूब आ रहा है उसमें से जो फिल्टर होकर के जो इनिशियल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट निकलता है वो 180 लीटर है. जबकि द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली अ लीटर और टू, 1 or 2 लीटर अ डे यूरिन रिमूव करते हैं हम, और हमारे ग्लोमेरुलस एक जो सारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उसका वॉल्यूम अगर हम देखें तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 180 लीटर. यानी 180 लीटर में से 178 या 179 लीटर यूजफुल सब्सटेंसेस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से वापस अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन इन द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स. ठीक है, तो यानी बहुत एफिशिएंट सिस्टम होता है किडनीज का और इस वजह से हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं हो पाती. द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज़ रीअब्जॉर्ब इन द किडनी ट्यूब्यूल्स. इस वजह से ये ऐसा होता है कि ज़्यादातर चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं. तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. फिर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स जो है उसमें छोटी छोटी चार बातें हमने आपको बताई थी. हाँ, प्लांट्स यूज़ कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल्स. नंबर वन, ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज CO2. यानी कि ये तो या तो रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाएगा और या फिर वो वहाँ से स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगा. दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन. तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से एक्सेस वाटर भी बाहर निकल जाएगा. फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट सच एज लीव्स. तो मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेल्युलर वैक्यूल्स. हाँ, वैक्यूल्स में वेस्ट प्रोडक्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं. वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ. तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ विल्टिंग, जब पतझड़ होता है उस समय बहुत सारा वेस्ट रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ लीव्स. अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड ज़ाइलम. फिर प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम.
यानी रूट्स के आसपास जो सॉइल होता है वहाँ पे भी कुछ वेस्ट रिमूव कर दिया जाता है। हाँ, तो एक्चुअली तो देखो बहुत ही आसान चीज़ें हैं और बहुत ही प्रैक्टिकली समझ लेने वाली चीज़ें हैं। आप अगर एक सीक्वेंस से इसको बार बार स्टडी करोगे, बार बार उसका रीडिंग करोगे अपनी बुक का, तो आपको ये चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी, है ना। रिपीटेड एंड एट लेंथ स्टडी जो है वो ज़रूरी होती है। आप बार बार पढ़ते रहें चीज़ों को, आपको चीज़ें याद रहती हैं। आप उसे एक बार पढ़ के छोड़ देते हो और फिर उसके बाद कई दिन तक टच भी नहीं करते तो आप भूल जाते हो, क्योंकि उसके ऊपर ओवरलैप हो जाती हैं दूसरी चीज़ें जो आपने फ्रेशली पढ़ी या देखी होती हैं। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस जैसा एक जो कंपैरेटिवली लेंथी चैप्टर है, जो एब्सोल्युटली थ्योरेटिकल है, उसमें आपको अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। फिजिक्स जैसा नहीं है कि हम न्यूमेरिकल करके, रे डायग्राम बना करके और या फिर कैसे भी दूसरी चीज़ें करके हम उसका साइज़ छोटा कर लेते हैं ना। वहाँ पे हमारा प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर लो, डायग्राम्स का, रे डायग्राम्स का प्रैक्टिस कर लो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ें और बहुत अच्छे से डायग्राम्स भी, इनफैक्ट आप लेबलिंग के साथ में देखें और ख़ुद बनाने की कोशिश करें, खुद लेबल भी करने की कोशिश करें। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा चीज़ों को देखना, है ना, मतलब चीज़ों को याद रखना आसान हो जाएगा। अगर हम डायग्राम्स वगैरह अपने खुद से बना लेंगे, लेबलिंग खुद से कर लेंगे, तो अपने आप हमें चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस का रिविज़न यहाँ पर कम्प्लीट होता है। थैंक यू।